लग रहा है। दोस्तों, आप सभी को नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? तो आइए, आज सुबह सुबह का ब्लॉग हम स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आज हमारे पति देव जी के हो गया है तबीयत खराब। नवरात्रि के सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। व्रत रखे हैं पर तबीयत हो गया है खराब। मुझे क्या करना चाहिए? उनको तबीयत खराब है तो व्रत तोड़ना चाहिए या नहीं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। आइए इनसे मिलवाते हैं। आप लोग के कैसा है तबीयत इनका? कम्बल उम्बल ओढ़ के सोए। सुबह से बहुत ज्यादा इनको ठंड लग रहा था तो मुझे कम्बल आज निकालना पड़ा ठंडी के पहले ही। कैसा तबीयत है अभी आपका? अभी दवा नहीं खाया उनको तो बहुत ठंडा लग रहा है गाइस। कल ही थोड़ा थोड़ा था तो पर ड्यूटी चले गए थे। सुबह सुबह ड्यूटी चले गए पर वो ड्यूटी जाके तुरंत वापस आ गए। पूरा गाइस ये ठंडा 6 बजे ठंडे ड्यूटी लगने चले गए थे, लगा। लेकिन ड्यूटी के 7 बजे एक बार ठंडा लगने लगा मुझको, तो हम 8 बजे फिर ड्यूटी से आ गए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, ठंडा शरीर पूरा कांपने लगा। अब व्रत है और इसलिए समझ नहीं आ रहा कि व्रत व्रत तोड़े क्या करे। दवा तो खाना है। इसीलिए दवा अभी तक नहीं खाएंगे। अभी लोग कमेंट करके बताइएगा और आज के ब्लॉग में बने रहिए, अंत तक देखते रहिएगा। जैसे ही कुछ तबीयत नरम होते ईशान, हैं फिर आपसे हम बात भी करेंगे। ए अभी ईशान इधर आना बेटा। रोकना है कहाँ से? ओके मम्मी जी पापा जी को तेल लगा रही हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा हिमगंगा तेल मल दे रही हूँ। सर में दर्द वर्द होता है तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, राहत हो जाएगा, आराम हो जाएगा। तो बच्चे मेला जाने के लिए भी परेशान किए हैं, तबीयत इधर हो गया है खराब। बच्चे को भी लेके जाना है, बहुत दिक्कत हो गया। त्योहार के दिन तबीयत खराब हो गया, अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों। जल्दी तबीयत खराब होता नहीं है इनका, और हो भी जाता है तो एकदम पड़ जाते हैं पूरा अच्छे से। क्या हुआ? खाया नहीं नहीं जा रहा? खाया के ले लिए, खाया नहीं जा रहा तो अंकित बोल था के। क्या रहे बोल रहा, क्या बोल रहे हो? क्या देखो है, क्या है, क्या लिए हो? हलवा है उसमें, क्या है? दोस्तों हलवा अर्चना बंद। दोस्तों आप लोग देख लीजिए, बच्चे अपने मामा के तंग कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं मेले के लिए। इन लोग ड्यूटी से आया है अभी, आई इसको परेशान करने लगे हैं, देखिए पैसा छीन रहा है। जब ये आता है पैसे मांगने स्टार्ट कर देते हैं सब। दोस्तों मैं चाय ब्रेड दे दी हूँ इनको, अब व्रत तोड़ने जा रहे हैं। ये दवाई लेकर आए हैं भाई, फोन करके बोल रहे हैं पहले दवाई जरूरत है कि पहले ब्रश जरूरी है। इसीलिए व्रत तोड़ना चाह नहीं रहे थे, दवा लेके आए नहीं थे उधर से, फिर ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगा तो मान लीजिए क्या करेंगे। इसलिए व्रत तोड़ना पड़ रहा, चढ़ती तो रख लिए पर उतरती में इनको व्रत तोड़ना पड़ रहा। व्रत के पहले हैं उसके बदले ये रखी हुई है। तो मैं आज व्रत रख ले रही हूँ इनके बदले में। मैं व्रत रखती नहीं हूँ पर व्रत रख रही हूँ, सॉरी जो भी गलती हुआ होगा आप लोग क्षमा कीजिएगा। छोड़ रहा आसान तरीका से आप लोग के मैं वो बता रही हैं। साड़ी है मेरे पास, वर्क वाली साड़ी है, इसमें लगाने में थोड़ा सा दिक्कत भी होता है पर जो तरीका हम बताएंगे आप लोग आसान तरीका से फॉल्स लगा लेंगी। दूसरे दुकान पर किसी से लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? आप लोग खुद से घर में अपना पैसा बचा लेंगे फॉल्स के। तो आइए मैं आज आप लोग के बताती हूँ। तो ये देखिए ये रहा मेरा फॉल्स, ये रहा साड़ी। तो मैं इधर एक से डेढ़ बीता छोड़ लेंगे, मैं यहाँ से फॉल्स लगाऊंगी, ठीक है? ये देखिए इतना मैं छोड़ देती हूँ। अब यहाँ से मैं फॉल्स अपना स्टार्ट करूंगी, ठीक है? लोग के अलग से वीडियो देंगे, यहाँ से अपना
आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा, साड़ी के फॉल्स के मैं अलग से वीडियो देंगे आप लोग के, अगर फॉल्स साड़ी में लगाने नहीं आता है, लगाना चाह रहे हैं तो मैं अलग से आप लोग को वीडियो रोशनी देंगे, आप कम लोग आ रहा जरूर है इसलिए देखिएगा। दिक्कत है। नहीं इस तरह से पूरे साड़ी में इधर लगा लूंगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे लगा रही हूं मैं। आप लोग के देखने के बाद वीडियो दोबारा किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा कि आप लोग फाल्स हाल्स के बोलने में, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया कि आप लोग जाएंगे टेलर के पास किसी और से लगवाएंगे, 100 रुपया 50 रुपया ऐसे फाल्स के ले लेते हैं, आप लोग वो पैसा अपना घर में बचा सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो आप लोग ये वीडियो के पूरा फुल वॉच कीजिएगा, तो ये मैं पूरा यहाँ तक लगा ली हूँ ना, यहाँ तक मैं देखिए लगा ली हूँ, इसी तरह पूरा मैं इसको अटैच करते करते मैं पूरा यहाँ तक जितना दूर फाल्स है। क्या है ये तो बरसात लग रहा है। हाँ ये तो पूरी है, केला है, हलवा है, ये कहाँ से है सेंस करके कंट करके, ये तो आपको ना खाना चाहिए, अपना खाना है तो आपके लिए नहीं मिला होगा, है आप नहीं खाओगे मेरे लिए लाई हो। वाह मेरे कितना प्यारी भतीजी लाडली है, मेरे लिए कितना मेरे को जानती है, मेरे लिए प्रसाद लेके आई है, बहुत अच्छी हो तुम, मेरे से प्यार करती हो। अच्छा कितना, बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है।